शूलिनी सेवादल सामाजिक दायित्व को लगातार पूरी करती आ रही है। जहां ये गरीबों के लिए मेडिकल कैंपस का आयोजन करती आई है, वहीं गरीबों के लिए भोजन भी उपलब्ध करवा रही है। बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ अभियान में भी संस्था द्वारा बढ़ चढ़कर भाग लिया जा रहा है। शूलिनी सेवा दल सामाजिक दायित्वों को लगातार पूरी करती आ रही है। जहां ये गरीबों के लिए मेडिकल कैंपस का आयोजन करती है, वहीं गरीबों के लिए भोजन भी उपलब्ध करती है। बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ अभियान में भी संस्था द्वारा बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया जा रहा है। और प्रत्येक नववर्ष के पहले दिन सरकारी अस्पताल में जन्म लेने वाली बेटियों के नाम 5,000 रुपए करती है। आज शूलिनी देवी मंदिर में उन्होंने गरीब बेटी की शादी शूलिनी सेवा दल द्वारा बड़े ही हर्षोल्लास के साथ करवाई गई। इस शादी में संस्था के सदस्यों ने रिश्तेदारों की भूमिका निभाते हुए विवाहित जोड़े को आशीर्वाद दिया। अधिक जानकारी देते हुए संस्था के अध्यक्ष सुशील चौधरी ने बताया कि उनकी संस्था पिछले 5 वर्षों से लगातार गरीब बेटियों की शादी करवा रही है। इस बार संस्था द्वारा ये 16वीं शादी करवाई गई, जिसमें सभी 250 सदस्य आर्थिक योगदान देते हैं और बेटी की शादी रीति रिवाजों के अनुसार बड़ी ही धूमधाम से की जाती है। उन्होंने कहा कि शादी में किसी भी तरह की आर्थिक तंगी को आड़े नहीं आने दिया जाता है। फरवरी माह में फिर से एक बेटी की शादी करवाई जाएगी, जो संस्था द्वारा आयोजित 17वीं शादी होगी। ये माँ शूलिनी सेवा दल पिछले 5 सालों से यही यहाँ पर समाज सेवा में रहता है और ये हमारी जो आज की शादी है, ये 16वीं शादी है जो हम कन्या विवाह करवा रहे हैं और अभी तक हमने ये 15 शादियाँ करवा चुके हैं और आने वाले 1 फरवरी को हम एक और कन्या विवाह करवा रहे हैं, जो कि हमारे संस्था द्वारा करवाई जाने वाली 17वीं शादी होगी। और यहाँ पर हमारे इस संस्था में तकरीबन हमारे 250 से ज़्यादा मेंबर्स हैं, जो कि हर महीने 500 रुपये महीना देते हैं और उसी से ही ये सब कार्य हम संपन्न करते हैं। तो ये था आज दिन भर का कार्यक्रम। कल फिर हाजिर होंगे नई गतिविधियों के साथ। आप ऐसे ही जुड़े रहिए एसजुड़े के साथ। नमस्कार।